अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर जो है होम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बयान आया है। अमित शाह जी ने आज न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन वो स्टेटहुड जो है वो यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद मिलेगा और इलेक्शन कब होंगे वो डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि जो जम्मू कश्मीर को 370 तोड़ने के बाद और 35A तोड़ने के बाद जो दो हिस्से किए गए थे 5 अगस्त को, जब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उसको क्रिएट किया गया था, उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेज है, अपर हाउस और लोअर हाउस, जिसको एक को जो है वो राज्यसभा कहते हैं और दूसरे को लोकसभा कहते हैं, वहां पर ये बताया था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो हालात ठीक नहीं है, यहाँ पर अलगाववाद और मिलिटेंसी जो है वो बेकाबू हो चुकी है, पिछली गवर्नमेंट्स के दौर में जो है उसको बढ़ावा मिला है। अब अमित शाह कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अलगाववाद को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया जा चुका है, मिलिटेंसी जो है वो काफ़ी कम लेवल पर जो है वो इस वक्त मौजूद है और अब जो है यहाँ पर हालात साजगार हैं कि इसको जो है वो दोबारा से स्टेट जो है वो वापस दिए जाए, लेकिन ये स्टेट जो है कंडीशनल रखी गई है कि ये स्टेट जो है वो इलेक्शन के बाद जो है वो मिलेगी। हालांकि जो अमित शाह जी हैं उन्होंने जो पिछले यहाँ पर जो मुफ्ती खानदान हो, चाहे कांग्रेस खानदान हो या फारूक अब्दुल्ला का जो अब्दुल्ला फैमिली हो, उन पर जो है वो सवालात उठाए हो, उनका कहना है कि इन तीन खानदान के राज में जो है वो यहाँ पर मिलिटेंसी जो है वो पनपी और यहाँ पर अलगाववाद को जो है वो बढ़ावा मिला, जबकि दूसरी बात ये बताई गई कि जब स्टेट ट्रबल में थी, फारूक अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेते हुए जो अमित शाह ने बताया कि वो तब जो है वो लंदन भाग गए थे। अब अमित शाह एज ए होम मिनिस्टर जो कि जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को जो है वो देखते हैं, उनका ये साफ कहना है कि यहाँ पर हालात जो है वो ठीक हो चुके हैं और अब जो है वो इस तरह का एटमॉस्फेयर बना हुआ है कि यहाँ पर जो है वो स्टेट को जो है वो जो हुड को जो है वो वापस दिलाया जा सके। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं बताई कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे और उस पर सारा जो है वो जिम्मेवारी जो है वो बताई कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, लेकिन जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाइफरकेशन है डिलिमिटेशन कमीशन की वो पूरी हो चुकी है और डिलिमिटेशन कमीशन की जो अपील कोर्ट में पेंडिंग थी वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, जो कि कल की डेट में हमने आपको खबर भी बताई थी। अब ये देखना होगा कि जो ये असेंबली इलेक्शन से उन पर कब जो है वो काल ली जाती है, और हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अप्रैल और मई के महीने में जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो हो सकते हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस हो चाहे PDP हो, अपनी पार्टी हो, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी हो, जितनी भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो है वो लगातार आवाज़ें उठा रही हैं कि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है में जो असेंबली के इलेक्शन है वो लोगों का हक है, लेकिन वो इसके लिए सेंटर से भीख नहीं मांगेंगे। अब जो है वो पंचायतों की जो है वो डिलिमिटेशन ऑफ वोटर्स जो है वो भी चल रही है, साथ में अब देखना होगा कि क्या पंचायत इलेक्शन होंगे या असेंबली इलेक्शन होंगे, वो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की भी जो है वो तैनाती की गई है, PK पोले साहब जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे, अगर उनको जो है वो यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल जम्मू कश्मीर जो है वो लगाया गया है, जो जिन पर जिम्मेवारी होती है कि यहाँ पर लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन जो है वो कराए। लेकिन क्योंकि अमित शाह के बयान में ये साफ जिक्र था कि जो लोकल बॉडीज में जो लोग निकल कर आए, सरपंच पंचायत इलेक्शन में लोग निकल कर आए, वो आगे चलकर लीडर बने हैं, और जिन लोगों को जो है पिछले सरकारों के दौर में जो है दबाया गया था, सिर्फ तीन खानदान जो है यहाँ पर तरक्की में जो है वो पनप पाए पॉलिटिकल फ्रंट पे, जिनमें मुफ्ती, अब्दुल्ला और नेहरू गांधी फैमिली थी। अब जो अमित शाह का बहुत बड़ा बयान आया है कि स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाएगा जब तक के इलेक्शन नहीं होंगे, अब ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है उस पर क्या जो है वो स्टैंड लेता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज तक सिर्फ इस बात पर निर्भर था कि जो होम मिनिस्ट्री है वो एक तरह की एश्योरेंस दे यहाँ पर लाइन ऑर्डर की और सिक्योरिटी की। अब अमित शाह ने खुद जो है वो ये बयान किया है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो हालात सुधर चुके हैं और अब इलेक्शन कमीशन पर जो है वो एक तरह की जिम्मेवारी आयद होती है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो जल्द शुरू करे, ताकि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का जो सेटअप है वो जो है वो जो ठप पड़ा है एक तरह से, और ब्यूरोक्रेसी का जो बोलबाला है
उसका जो है वो खात्मा हो सके और लोगों को यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है यहाँ पर मिले, चाहे वो बाद में हिंदू चीफ मिनिस्टर हो, मुस्लिम हो, कश्मीर का हो, जम्मू का है, लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के जाते हैं, यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो आए ताकि उनके मसले और मसाइल जो है वो हल हो सके। हालांकि इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो इविक्शन ड्राइव को लेकर आ रही है, और आपने देखा होगा कि नई बस्ती में जो फ्लड और कंट्रोल इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन जो है नोटिसेस जो है इशू की है दुकानदारों को दुकान हटाने की, क्योंकि वो फ्लड चैनल में आते हैं। इसी तरह से कश्मीर में भी जो है इस तरह की कार्रवाई की, जो 2014 में यहाँ पर फ्लड आया था जिससे काफ़ी तबाही मची थी जम्मू कश्मीर में, उस चीज़ की ये एक एक्सरसाइज है कि लोगों ने जो है वो नालों पर कब्जे किए हैं, फ्लड चैनल्स पर जो है वो कब्जे किए हैं, उसको हटाने की भी जो है वो साथ साथ कोशिश चल रही है। जबकि इसके अलावा एक और जो है वो लिस्ट आई है JDA की भी, उसमें भी जो है वो JDA लैंड से भी जो है वो इलेक्शनें हो रही है। अब लोग चाहते हैं कि कम से कम अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ जाए शायद वो इस ड्राइव से जो है वो बच सके। अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कब इलेक्शन कराती है और इलेक्शन कमीशन जो है वो कब जो है इस पर काल लेते हैं। अभी तक सिर्फ यही खबर है कि अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने जो ANI न्यूज़ एजेंसी को ये बताया कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड तभी मिलेगा जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद ही जो है यहाँ स्टेटहुड मिलेंगे। अब ये सवाल है कि ये इलेक्शन कब होंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।